हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनी राइस में। मैं हूं देवी सिंह। हम जो है ये लास्ट लेक्चर है हमारा स्कीम का, नॉट इकोनॉमी का, स्कीम का। छह लेक्चर में करीब जो है हमारी स्कीम्स समाप्त हो गई हैं। ये जो स्कीम है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित, और ये स्कीम इसमें से हमें देख लेना है। ये लास्ट लेक्चर है, इसमें जो भी होगा सारा सब कुछ मैं स्कीम के अंदर कवर कर दूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि देखो हमने बहुत सारा इसमें से प्लान कर रखा है, पर एक्चुअल में देखो इसमें से जो वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट, हमारे ये जो गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारा ये ऐप है, और इसमें से इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी के लिए एक कंप्लीट कोर्स। अभी आपको यहाँ पे जो दो चीज़ें उपलब्ध हैं, दो कहे को तीन चार चीज़ें, अलग अलग आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी जो कि इसका प्राइस 750 है। दूसरा क्वालिटी, क्वालिटी इसका प्राइस भी अगर हम बात करते हैं तो ये मैं डायरेक्टर साहब से पूछ लूंगा। तो ऐसे करके इस प्राइस है, इसमें से टेस्ट और पीडीएफ ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। ओके, तो चलो हमें देखते हैं कि भाई दो सॉरी मतलब इसमें जो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री या उससे संबंधित कुछ योजनाएं रह गई हैं, चलो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, निर्मला सीतारमण जी ने अपने जो वित्त भाषण में यानी बजट भाषण में 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़, 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की घोषणा करी है। इसके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जरा इसकी प्रमुख विशेषताओं पे नजर डालो। प्रमुख विशेषताएं देखो, इसमें से देखेंगे कि यह भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, साथ ही नई और उभरती हुई बीमारियों का पता लगाने, उनके इलाज के लिए जो है नए संस्थान बनाए जाएंगे और मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को भी मजबूत किया जाएगा। मतलब ये भी जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र की जो स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता को क्या करना है भाई, विकसित करना है, मजबूत करना है, ध्यान केंद्रित करना है, और नई उभरती हुई जो बीमारियां हैं इनका पता लगाना, और नए संस्थानों को क्या करना है, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को भी मजबूत करना है। नई योजना जो है, यह नई योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी, ठीक है, किसके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। लक्ष्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लक्ष्य, भारत में ही अनुसंधान एवं विकास और उपचार के लिए, आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। साथ में जो है भविष्य की महामारी, महामारी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, जो प्रभावी ढंग से रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है, ठीक है। वहीं महानगर क्षेत्रों में ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे जो है निगरानी, प्रयोगशाला, नेटवर्क ये विकसित करना है। एक आईटी सक्षम रोग की निगरानी के लिए भी एक निर्माण करना है। जानवरों और मनुष्यों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में रोग के प्रकोप का प्रभावी ढंग से पता लगाने और रोकथाम करने के लिए प्रवेश के बिंदुओं पर स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना है। ओके, अब अनुदान, अनुदान यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या भाई, भाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ओके, इसका प्रक्रिया 17,788, 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता प्रदान करना। क्या भाई, सहायता प्रदान करना 11 राज्यों के जिलों में एकीकृत, 11 राज्यों के जिलों में
जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं एवं 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, साथ में 602 जिले, ये डेटा नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी सुन लीजिए, 602 जिले, 12 केंद्रीय, 11 नहीं, 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की स्थापना, 12 केंद्रीय संस्थानों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण यानी एनसीडीसी की 5 क्षेत्रीय शाखाओं, इसकी 5 रीजनल जो ऑफिस, 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत करना है, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना है, 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां, 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन तथा प्रवेश के बिंदुओं पर 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना, मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना, साथ में 15 स्वास्थ्य आपातकाल संचालन केंद्र, 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों तथा 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना, मोबाइल मतलब मोबिलिटी से है, 1 हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव सुरक्षा स्तर के 3 प्रयोगशालाएं और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, इसमें से पूरा करने का जो लक्ष्य है तो 6 वर्ष है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, पूरा करने का लक्ष्य 6 ईयर, 6 ईयर ठीक है। अब इसमें से कुछ करंट की चीजें क्या है भाई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के मुद्दों को समग्र तौर से संबोधित करने और एक स्वास्थ्य भारत बनाने के लिए चौतरफा रणनीति अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लागू करने से इस संबंध में मदद मिलेगी, स्वस्थ भारत के लिए 4 सूत्री रणनीति भी उनने बताई है। अब 4 सूत्री रणनीति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बीमारी की रोकथाम तथा स्वस्थ भारत अभियान, बीमारी की रोकथाम तथा स्वस्थ भारत अभियान, स्वस्थ भारत अभियान एवं योग जैसे उपचारों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की समय पर देखभाल करना और उपचार को बढ़ावा देना, गरीबों तथा वंचितों को सस्ता और प्रभावी इलाज, गरीबों तथा वंचितों को सस्ता एवं प्रभावी इलाज, साथ में स्वास्थ्य की जो बुनियादी ढांचा है, स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचा के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से क्या करना है आपको, जो तीसरा है स्वास्थ्य के जो बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य के जो बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य पेशेवरों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ठीक है। चौथा नंबर है भाई मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जो है इसके माध्यम से जो बाधाओं को दूर करना और मिशन मोड पर काम करना, जिससे सभी सुविधाओं को विस्तार करके आदिवासी और दूर दराज क्षेत्रों तक इसका एक्सपेंशन किया जा सके। ओके तो देखो भाई, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहली तो ये कि 17,788 ग्रामीण ग्रामीण 11,024 शहरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को सहायता, ठीक है, जो हेल्थ सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर को सहायता। साथ में 11 राज्यों के सभी जिलों, इसमें से 3,382 ब्लॉक, 3,382 ब्लॉक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इंटीग्रेटेड सामुदायिक प्रयोगशालाएं, साथ में से 602 जिलों और 12, इसमें से 602 जिलों जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था, 12 ब्लॉकों को इसमें से जोड़ना है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान को सुदृढ़ीकरण करना है। 17 नए सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइयों को परिचालन आरंभ करके प्रवेश केंद्रों पर 33 वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइयों को सुदृढ़ीकरण करना है। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों को और 2 मोबाइल अस्पतालों का निर्माण करना है। ये रही है ये योजना, ठीक है। अगला है मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0। देखो, इसकी घोषणा भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में 2021-22 के दौरान की थी। निर्मला सीतारमण, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। विशेष, इसमें से विशेषताएं, इसकी मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताओं में सरकार ने मिशन पोषण 2.0 के तहत चल रहे पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर दिया है। इसमें से पूरक पोषण कार्यक्रम शामिल है जिसके तहत सरकार आंगनबाड़ियों और पोषण अभियानों में गर्म और पका हुआ भोजन और घर में ले जाने को राशन देती है, जिसमें से प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन और विकास निगरानी को भी प्रभावित करना शामिल है। सरकार ने 112 आकांक्षी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने 112, तो आकांक्षी जिलों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए एक गहन रणनीति अपनाने की योजना बनाई है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण 2021-22 के दौरान की थी। ओके, साथ में लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य की तो देखो, इसमें से बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के बीच, बच्चों, किशोरी मतलब जो किशोरियां यानी युवतियां और महिलाओं के बीच पोषण सामग्री डिलीवरी, आउटरीच और परिणाम को मजबूत करना है। चिल्ड्रन, इसमें से फीमेल, ठीक है, इनके बीच क्या करना है, जो पोषण से संबंधित पोषाहार जो है सामग्री डिलीवर करना है और तंत्र को मजबूत बनाना, ऐसी प्रथाओं और आदतों का विकास करना है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बीच अच्छे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना, जिससे कुपोषण को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक ठोस प्रयास किया जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। बच्चों की भलाई सुनिश्चित करना है जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये इसके लक्ष्य हैं। योजनाओं का विलय, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योजनाओं का विलय, यह एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने वाली यह एक एक छत्र योजना है, एक अम्ब्रेला ये योजना है। प्रक्रिया की बात करते हैं हम अगर, तो 2.0 के तहत अब तक जो कुछ भी रहा है उस पर फिर से विचार करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख के तौर पे नियुक्त जिला कलेक्टर कार्यक्रम के आधार होंगे। वे 7 अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं, कार्यक्रमों के अभिसरण के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके लिए राज्यों का संयुक्त दिशा निर्देश जारी किए जाए, ठीक है। अब तंत्र की बात करें तो सरकार पहले के आईसीडीएस जो है, आईसीडीएस यानी कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जगह योजना के आपूर्ति पक्ष को सुनिश्चित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल पोषण ट्रैकर का उपयोग करेगी। पहले के इसमें से सिस्टम के द्वारा डेटा किसी काम का नहीं था और स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली और आयुष आयुर्वेद योग
प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी सिद्ध होम्योपैथी भी इसमें पुनर्निर्मित पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। साथ ही में कुपोषण की बात करते हैं तो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके जो विभिन्न संकेतकों के समाधान खोजने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ जो है अनुसंधान किया जाएगा। अनुदान की अगर हम बात करते हैं अनुदान की, तो 20,105 करोड़ राशि जो है आवंटित की गई है। लक्ष्य सरकार कुपोषण से संबंधित विभिन्न संकेतकों के लिए 2022, 2025, 2030 तक शामिल करने के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। साथ में अगर बात करें इसमें से जो चीजें करंट में रही हैं, तो करंट से तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 सितंबर से पोषण माह, इम्पॉर्टेंट है 1 सितंबर, ठीक है, पोषण माह जो है इसके दौरान पोषण मिशन 2.0 शुरू किया है। इसने सभी 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, इस महीने के दौरान एक पोषण वाटिका, पोषण उद्यान स्थापित करने का आग्रह किया है। पोषण माह के अंतर्गत सितंबर के महीने में बच्चों, किशोरी, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों के सुधार के लिए 2018 से पोषण माह के तौर पे मनाया जाता है। वहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपने सभी प्रमुख कार्यक्रमों को 3 छत्र योजनाओं के तहत वर्गीकृत करने का निर्णय भी लिया गया है। छत्र योजनाओं में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य। वित्त मंत्री जी ने कहा कि भाई सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान के विलय के जरिए मिशन जो पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। इसके तहत पोषण संबंधी सामग्री वितरण और परिणाम को मजबूती के लिए आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें रही हैं। अगला है पोषण अभियान। वो देखो पोषण 2.0 था मिशन पोषण, ये पोषण अभियान। देखो मुख्य विशेषताएं, तो इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय मिशन के तौर पे भी जाना जाता है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तौर पे, पोषण मिशन के तौर पे, मिशन के तौर पे जाना जाता है। इसमें से नाम में पोषण शब्द समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना के लिए है, प्रधानमंत्री की व्यापक योजना के लिए है। मंत्रालय यह 2022, तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति, कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए बहुमंत्रालयी अभिसरण मिशन है, बहुमंत्रालयी अभिसरण मिशन है। ठीक है, कार्यान्वयन एजेंसी इसकी, महिला एवं बाल विकास पोषण अभियान लागू कर रहा है, पोषण अभियान लागू कर रहा है। उद्देश्य, पोषण अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है, आंगनबाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार, आंगनबाड़ी सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिन्हित जिलों में सबसे अधिक कुपोषण के बोझ को कम करना है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों के लिए समग्र विकास, पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य बच्चे, महिलाओं, किशोरियों के बीच स्टंटिंग, ब्रेस्टिंग, कुपोषण, एनीमिया जैसे इन जन्म के समय जो वजन कम जैसी समस्याएं हैं, इनको दूर करना है। यह विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं के लिए अभिसरण को सुनिश्चित करके कुपोषण और अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करने का लक्ष्य रखता है। लक्ष्य की बात करें तो भाई इसका जो उद्देश्य है, इसका जो लक्ष्य है, इसका उद्देश्य 2020, 2020 तक मिशन 25, के तहत 2022 तक 0 से 6 वर्ष के बच्चों में स्टंटिंग को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में स्टंटिंग को
38.4% करना है, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम बात करें तो NFSH डेटा का, इसको घटा करके 25% तक करना है। इसके कुछ उद्देश्य हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। स्टंटिंग को सालाना 2% कम करना है, जो है स्टंटिंग को सालाना 2% कम करना है। प्रतिवर्ष कुपोषण में, कुपोषण में 2% की कमी करना है। एनीमिया को सालाना, एनीमिया को सालाना 3%, और जन्म के समय वजन को सालाना 2%, इसको कम करना। लॉन्च इसे सरकार 8 मार्च, लॉन्चिंग डेट इसकी लॉन्च 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इसे मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब राष्ट्रीय पोषण माह की मुख्य गतिविधियां, इसमें से अगर आपको बहुत शॉर्ट ढंग से याद रखना है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पोषण माह देखो, पोषण माह, तो सबसे पहले कम वजन तथा सैम और मैम बच्चों का चिन्हांकन, यानी राष्ट्रीय पोषण माह की कुछ जो प्रमुख विशेषताएं, जो गतिविधियां हैं, तो पोषण माह के अंतर्गत कम वजन तथा सैम और मैम, सैम और मैम बच्चों का चिन्हांकन, मैम बच्चों का चिन्हांकन, ओके वेल, इसमें से न्यूटी गार्डन और वृक्षारोपण अभियान, दूसरा है न्यूटी गार्डन और वृक्षारोपण अभियान, वहीं साथ में जिला पोषण समिति की बैठकें, समिति की बैठकें, घर घर जाकर दी जा रही पोषण की जानकारी, घर घर दी जा रही पोषण की जानकारी, पोषण की जानकारी, पोषण पंचायतों का आयोजन, पोषण पंचायतों का आयोजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। ये अगली हम देखते हैं भाई, जल जीवन मिशन शहरी। बजट भाषण 2021-22 के दौरान जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा करी गई, 2021-22 के दौरान जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा करी गई। मंत्रालय अब आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय। मुख्य विशेषताओं में नलों के माध्यम से सभी घरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति कवरेज प्रदान करना और भारत को SDG लक्ष्य जो है 6 हासिल करने में मदद करना। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG लक्ष्य जो 6 है, SDG लक्ष्य 6 को क्या करना, इस मतलब 6 को हासिल करने में मदद करना। नलों के माध्यम से सभी घरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति कवरेज को प्रदान करना लक्ष्य भाई। तो लक्ष्य में हम देखें अगर 2.86 करोड़ घरेलू नल, 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन, इसके साथ सभी यानी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक आपूर्ति प्रदान करना, 2.64 करोड़ चीवर कनेक्शन व सेप्टेज उपलब्ध कराना, इसमें से 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना, साथ में स्थायी ताजे पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल निकायों का कायाकल्प करना,
बाढ़ को कम करने के लिए हरित स्थान जो है तो उसपे स्पंज शहर बनाना, शहरी जलभूत प्रबंधन योजना के माध्यम से सुविधा मूल्य में वृद्धि करना, प्रत्येक शहर के लिए एक शहर जल संतुलन योजना विकसित करके जल चक्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यह उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण या पुनः जो उपयोग जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण पर केंद्रित करना, पुनः उपयोग के लिए जो किए गए पानी से इसमें से पानी की 20% मांग को पूरा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का स्थापित करना। तो ये तो लक्ष्य रहे हैं। वहीं तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रस्तावित प्रक्रिया और तंत्र, यह प्रस्तावित है कि पानी के क्षेत्र में नवीनतम वैश्विक जो है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए पानी के लिए एक प्रौद्योगिकी उपमिशन शुरू किया जाएगा। सूचना शिक्षा और संचार अभियान के उपयोग में जनता के बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का भी प्रस्ताव किया गया। पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल की मात्रा गुणवत्ता के संबंध में एक प्रक्रिया के माध्यम से जल निकायों का मानचित्रण सुनिश्चित करने के लिए शहरी यानी शहरों में पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा। 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों को अपनी कुल परियोजना धन आवंटन के कम से कम 10% की सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। नगरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए नगर पालिका बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी जाएगी। आगे दोहरी पाइपिंग जो प्रणाली जो है लागू की जाएगी। जलाशयों का कालाकल्प जो सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्तर पर शहर की कुल मांग की जो है मांग को कम करना और कम 20% के साथ औद्योगिक पानी की मांग के लिए 40% पूरा करने के लिए उपयोग किए गए पानी चक्रण मतलब पुनर्चक्रण किया जाएगा। गैर राजस्व पानी को 20% के स्तर पर कम कर दिया जाएगा। यह जल वितरण प्रणाली में डाले गए पानी की मात्रा ग्राहकों को बिल की जाने वाली मात्रा के बीच के अंतर है। अब मिशन की निगरानी एक प्रौद्योगिकी आधारित मंच के माध्यम से की जाएगी, जिस पर प्रगति और आउटपुट परिणामों के साथ लाभार्थी प्रक्रियाओं की निगरानी भी की जाएगी। समय भाई तो 2 लाख इसमें से जो फंडिंग की बात करें तो इसमें से 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के माध्यम से फंडिंग की जाएगी। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 90% और 10% का जो है फंडिंग का शेयर रहेगा। इसके साथ साथ 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए केंद्रीय वित्त पोषण 50% होगा। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए जो केंद्रीय वित्त पोषण 33% होगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए जो है केंद्रीय वित्त पोषण जो है 25% होगा और परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदान 20:40:40 के 3 चरणों में दिया जाएगा। तीसरी किस्त जो है प्राप्त परिणामों के आधार पर जारी की जाएगी और वित्त पोषण के दौरान विश्वसनीय जो है बहिष्करण का भी प्रयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए का परिव्यय की घोषणा करी है। स्पंज सिटी का एक विशेष स्पंज सिटी मैंने बताया था तो इसे समझ लो, स्पंज सिटी एक विशेष प्रकार के शहर को इंगित करता है जो कि यह एक अभेद्य प्रणाली है, प्रणाली की तरह कार्य नहीं कर सकता है, जो कि किसी भी पानी को जमीन के माध्यम से फिल्टर करने की इजाजत नहीं देता है बल्कि स्पंज की तरह ये अधिक होता है। यह वास्तव में जो है वर्षा जल को अवशोषित करता है जिसे बाद में मिट्टी के द्वारा प्राकृतिक तौर से फिल्टर किया जाता है। वहीं शहरी जल भरतों में पहुंचने दिया जाता है और शहरी कुओं के माध्यम से जमीन में पानी निकालने की अनुमति देता है। इस पानी का आसानी से ट्रीट किया जा सकता है और शहर में जल आपूर्ति के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज के लिए सार्वभौमिक जलापूर्ति के उद्देश्य से जल जीवन मिशन शहरी को शुरू किया जाएगा। वहीं 2,87,000 करोड़ के रुपए के आवंटन से अगले 5 सालों में इसमें काम किया जाएगा। जल जीवन मिशन ये जो एक उपलब्धि के महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर कार्य करेगा। 3.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद अब तक 3.53 करोड़ परिवारों को जो है यानी नल के जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। 15 अगस्त 2019 तक जो है 18.93 करोड़ रुपए परिवारों में से 3.3
और 2-3 करोड़ रुपए परिवारों के पास जो है पानी के कनेक्शन में थे। वहीं 6.67 करोड़ जो कि और वहीं 35.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही है। दूसरा भाई मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना है ना, ये लिखा जाएगा ना मित्रा योजना। मित्रा इज स्टैंड फॉर मेगा, एम इज स्टैंड फॉर मेगा, इसमें से इन्वेस्टमेंट, टी टेक्सटाइल और इसमें थे पार्क। ओके, तो ये मित्रा योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2021 में 2021 के दौरान मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना की घोषणा करी। आवश्यकता यह है कि भी राज्य सरकारों से भूमि और अन्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी और धीमी प्रगति के कारण सरकार को मित्रा पार्क विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। इसी तरह से पार्क के कुछ अन्य देशों में जैसे कि वियतनाम, चाइना जैसे पहले से जैसे देशों में पहले से मौजूद हैं, जहां ये पूरी मतलब ये पार्क पूरी कपड़ा जो मूल्य श्रृंखला को कवर करते हैं। वहीं अगर हम मंत्रालय की बात करें तो यह कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत जो इसका संबंधित मंत्रालय है, ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत वर्क है। वहीं लक्ष्य तो इसमें से देखो जो लक्ष्य है, लक्ष्य भारत को सभी क्षेत्रों में वस्त्र निर्यात में, भारत के सभी क्षेत्रों में जो है वस्त्र निर्यात विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनने में सक्षम बनाता है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो कपड़ा क्षेत्रों में बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाने में सक्षम बनाने के लिए, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ एक विश्व यानी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना, साथ में भारत को पूरी तरीके से एकीकृत वैश्विक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और निर्यात केंद्र के तौर पे स्थापित करना, इसमें से हमारे घरेलू निर्माताओं को यानी अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में एक समान अवसर प्रदान करना तथा अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर देकर के ग्लोबल लीडर बनने पर मार्ग प्रशस्त करना है। इसमें से एसोसिएटेड कुछ स्कीम रही हैं। अगर हम एसोसिएटेड स्कीम की बात करें, एसोसिएटेड स्कीम तो इसे प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव स्कीम है यानी PLI इसमें से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अलावा लॉन्च किया जाएगा। इसमें से प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया तो भाई ये पार्क जो है विश्व के स्तर पर बुनियादी ढांचे और उसमें से प्लग जो है प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ 1,000 एकड़ के अधिक भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों में निर्बाध पानी और बिजली की आपूर्ति, समान उपयोगिता तथा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने क्रैपोलेक्टम, नॉयलान चिप्स, नॉयलान फाइबर और यानी यार्न BDC दरों की समान कटौती की घोषणा करी है। वहीं लक्ष्य इसका यह है कि भाई कपड़ा मंत्रालय ने 3 वर्षों में सॉरी नॉट 3 वर्षों में जो है 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जो कि मैंने यूपी अच्छा आपको नहीं पढ़ा रहा था वो दूसरी जगह है ना, एक्चुअल में चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो मैं वहाँ पे जो है ये मित्रा यानी जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पढ़ा रहा था वहाँ पे। तो इसमें से ये जो पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है 2025-26 तक उद्योग के आकार को दोगुना करके $300 बिलियन करने का लक्ष्य है। भारत ने एकीकृत टेक्सटाइल पार्क जो है इसकी योजना के तहत पहले ही 59 टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दे दी है जिसमें से 22 पूरे हैं। अब वस्त्र मेगा निवेश की अगर हम बात करते हैं तो वस्त्र पार्क मित्रा, देखो भाई वस्त्र उद्योग बनाने के लक्ष्य जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ से यूं ही पूछा जाएगा। तो वस्त्र जो है वस्त्र उद्योग बनाने के लक्ष्य में तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनना, साथ में बड़े निवेशकों के लिए आकर्षित करना, आकर्षक बनाना, रोजगार सृजन करना, इसमें से निर्यात संवर्धन करना। मुख्य विशेषताओं में जैसे कि भाई बताया कि निर्यात के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी बनने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय मूलभूत ढांचे को तैयार करना, 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित करना है,
इसके साथ साथ देखो जो बजट 2021 में मेकिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटेटिव के अंतर्गत मेगा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो मित्रा टू बी लॉन्चेस, इसके साथ साथ इसमें से 7 टेक्सटाइल पार्क विल बी इस्टेब्लिश्ड ओवर 3 या 3 साल में। हर हाल में इसमें से वही मैंने जो यहाँ पे बताया है हिंदी में वही इंग्लिश में है कि भाई 7 जो टेक्सटाइल पार्क विल बी इस्टेब्लिश ओवर अ 3 ईयर। सो दिस विल इनेबल टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट एंड एक्सपोर्ट। तो इसमें से एक्सपोर्ट को और जो एम्प्लॉयमेंट को वो भी जनरेट करना है। द बेसिक्स कस्टमर्स ड्यूटी ऑन द, इसमें से आपको जो कस्टमर्स की ड्यूटी और ये सारी चीज़ों को इसमें से, और एमएसएमई जो है खास करके नए रोजगार को जन्म दिया जाएगा, तो इसमें से एमएसएमई क्षेत्र में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ओके तो ये आपने देख लिया। अब इसमें से स्वामित्व ऐसे लिखा जाएगा ना, हाँ स्वामित्व। ओके 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण, 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण 2020-2021 के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना शुरू करी गई। मंत्रालय वही है, पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। कार्यान्वयन एजेंसी जो सर्वे ऑफ इंडिया योजना के लिए प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है, इसे राज्य के राजस्व विभाग और राज्य पंचायती राज विभाग इसके साथ साथ स्थानीय जिला प्राधिकरण, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और जो है GIS डिवीजन जैसी अन्य एजेंसियों में सहयोगात्मक प्रयासों को लागू किया जाएगा। मुख्य विशेषताएं यह हैं कि यह जो है ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में यह सुधारात्मक कदम है। देखो लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि निर्माण रिकॉर्ड बनाना, संपत्ति संबंधी विवादों और इसमें से कानूनी मसलों या कानूनी मामलों को कम करना, वहीं ग्रामीण भारत में नागरिकों की उनकी संपत्ति को यानी ऋण और अन्य वित्तीय लाभ के लिए इसमें वित्तीय संपत्ति के तौर पे उपयोग करने में सक्षम बनाकर के वित्तीय स्थिरता लाने के लिए, संपत्ति कर का निर्धारण करने के लिए जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है, वहीं सर्वेक्षण के इसमें से बुनियादी ढांचे और GIS मानचित्र बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा और किसी भी विभाग के द्वारा ये किया जा सकता है। साथ में GIS मानचित्रों को जो है इसमें से उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना और इसमें से साथ में इस पे हेल्प करना उसके इन्हांसमेंट में, सही मायने में ग्राम स्वराज प्राप्त करने के लिए ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। प्रक्रिया की बात करें स्वामित्व योजना की तो भाई इसे ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके भूमि मैपिंग, संपत्ति जो है संपत्ति मालिकों की कानूनी स्वामित्व कार्ड, ठीक है, इसके साथ साथ जारी करने के साथ जो है गांव घर के मालिकों को अधिकारों और उनके रिकॉर्ड को लागू करना, समय सर्वेक्षण पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से 2020-2025 की अवधि में ये जाएगा, अनुदान यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, लॉन्च इस योजना का जो राष्ट्रव्यापी शुभारंभ है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसे वर्ष 2020-2021 में 9 राज्यों में से योजना के पायलट चरण के सफल समापन के बाद हुआ। प्रगति अब तक इसमें से 1241 गांव में लगभग 1.8 लाख संपत्ति मालकों को कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इन्हें सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें स्वामित्व योजना के अंतर्गत कुछ चीजें याद रखना कि भाई ग्रामवासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए यह योजना मदद करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही पहला स्टेटमेंट होगा। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन, ग्रामीण क्षेत्रों का एम्पावरमेंट और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड धारक, इसमें से संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया गया है। 2020-21 में इसके दौरान ड्रोन का उपयोग करते हुए हरियाणा,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगभग 1 लाख गांव में संपत्ति के रिकॉर्ड का सर्वेक्षण किया गया है। 6 राज्यों में 763 गांव में लगभग 1 लाख संपत्ति के मालिकों को अपनी संपत्ति का कार्ड मिलेगा। साथ में संपत्ति का जो निर्धारण और वित्तीय संस्थाओं से संपत्ति जो है लाभ का मतलब संपत्ति ऋण का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। ठीक है, स्वामित्व योजना जो है ग्रामीण भारत में बदलाव और इसमें से लागू होंगे सख्त, ये आगे की राय है। इसमें कहा गया कि भाई 4 साल में अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल 24 अप्रैल तक इसमें से करीब 6.5 लाख गांव को कवर किया जाएगा 4 सालों में। सटीक भूमि रिकॉर्ड के संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने के लिए वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। योजना और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स को स्पष्टता सुनिश्चित करेगा। देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की जो होगी स्थापना, ड्रोन तकनीकी या COR में इसके द्वारा आवासीय भूमि की पैमाइश की जाएगी। बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये सारी चीजें स्वामित्व योजना के अंतर्गत होंगी जो कि मोर देन सफिशियंट है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी सारी स्कीम्स मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लास्ट में जरूर फास्ट कर दिया है। देखो इनमें से जो भी मैंने बताया है तो लास्ट में हर एक स्कीम को कोशिश किया है समराइज कर दूं। पहले उसको मैंने डिटेल से एक ब्रॉडर मैनर पे समझाने का प्रयास किया है, फिर बाद में उसी चीज को मैंने हर एक स्कीम के बाद थोड़ी सी समरी भी दी है आपको। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसका लक्ष्य और किस मंत्रालय के अंतर्गत, और ज्यादातर ध्यान रखना कुछ एक योजनाओं को छोड़ करके सभी योजनाएं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है। सेंट्रली सेक्टर्ड और स्पॉन्सर्ड योजना मैं बार बार नहीं बताऊंगा, उम्मीद ये कर रहा हूं कि ये आपको दोनों टर्म्स पता होंगे, क्योंकि जैसे भी ये स्टेटमेंट बनाता ही बनाता है कि ये योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेक्टर है। दूसरी बात, इसमें से जो रेशियो ध्यान रखना कि हिमालयी राज्य और नॉर्थ ईस्ट 90-10 का सभी में लगभग, अगर आपको ये ना पता हो तो ये रेशियो रहता है और उसमें से रेशियो बदलता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हमारी जो इससे संबंधित सारी योजनाएं हो गई हैं, अब हम वही अपना स्टैटिक पार्ट जो है ट्रेडिशनल पार्ट में क्या है आगे फिर मूव करेंगे। स्कीम्स हो गई हैं, एग्जाम आपके लगे हुए थे तो इस वजह से मुझे लगा कि करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। ओके।